बहुत समय से मैं सोच रही थी कि लुक को चेंज किया जाए। लोग चेंज करने की जब भी बात आती है तो दो ख्याल आते हैं, एक तो हेयर कटिंग कर लो और दूसरा हेयर कलर कर लो। हेयर कटिंग का ऑप्शन मेरे लिए थोड़ा बहुत ही इमोशनल वाला सीन है ये। बड़ी शिद्दत से बाल बड़ी मुश्किल से मैंने बढ़ाए हैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो मैंने सोचा हेयर कलर किया जाए। हेयर कलर करने की जब भी बात आती है ना तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि बालों के तो धज्जियां उड़ जाएंगी, बट बिलीव मी मेरा एक्सपीरियंस कुछ और ही बोलता है। मेरे बाल सुपर्ब सिल्की हो गए हैं, एकदम नरिशमेंट इतना हुआ है कि बहुत अच्छा लग रहा है, और बाल तो मतलब ऐसे बाउंसी हो गए हैं, वॉल्यूम भी मिला है। कब हुआ ये करिश्मा, कैसे हुआ, क्या इस्तेमाल किया, चलिए मैं बताती हूं आपको। दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया है गार्नियर हेयर कलर, नेचुरल है। मैंने इसमें जो चूज किया है कलर, ये है डार्क ब्राउन नंबर 4, जो मेरे बालों के मुताबिक अकॉर्डिंग है और बहुत अच्छा। और इसकी मजे की बात ये बताती हूँ कि आपने गूगल पे जाके एक वर्ड सर्च करना है, गार्नियर हेयर कलर। जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे देन यू कैन सी कि आपको अपनी पिक्चर वहां लगानी है या लाइव आप कैमरा के सामने आके आप अपना पसंदीदा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, मैंने इसी तरह से सेलेक्ट किया। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी, धीरे 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 बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अफोर्डेबल है। मजे की बात यह है कि इसमें 10x नेचुरल ऑयल है, जिसकी वजह से बाल डैमेज नहीं होते हैं, अमोनिया फ्री है, बालों को 100% नरिशमेंट मिलता है। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप देखिए जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या चीजें जो हम करने वाले हैं आज। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है इस बॉक्स में, कौन-कौन सी चीजें हैं और किस तरह से आपने ट्राई करनी है ये। उससे पहले आपके लिए एक ब्यूटीफुल टिप दोस्तों, जब भी आप हेयर कलर कर रहे हैं तो आपने सेम डे हेयर वॉश नहीं करना है, 2 दिन पहले हेयर वॉश कीजिए और ऑयल का इस्तेमाल ना करें, और कंडीशनर भी हो सके तो अवॉइड करें। उसके बाद आप डायरेक्टली हेयर कलर लगा सकते हैं। हेयर कलर लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, चलिए वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कॉम, हैंड ग्लव्स, एक क्लचर या क्लिप भी बोल सकते हैं आप इसको, ब्रश, एक बॉल प्लास्टिक का या कांच का लीजिए, मेटल का बॉल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। साथ में चाहिए टॉवल, और अपना कलर दोस्तों। अब एक जरूरी बात दोस्तों, ये कलर ट्राई करने से पहले आपने पैच टेस्ट जरूर करना है, बहुत आसान है। ईयरबड ले लेनी है और इस तरह से आपने कान के पीछे एक डॉट बनाना है और उसको लगा रहने देना, ना उसको टच करना है ना उसको साफ करना है। 24 घंटे बाद आपको उसके इफेक्ट दिखेंगे। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, रेडनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हेयर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वैसे भी कोई एलर्जी नहीं है तब भी ये टेस्ट आपके लिए अनिवार्य है, पूरा सेफर साइड दोस्तों। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है कलरिन, डेवलपर, ग्लव्स और कंडीशनर के सैशे। आपने क्या करना है, इसको मिक्स करने के लिए आपने कांच का बाउल लेना है या प्लास्टिक का बाउल लेना है। स्किन पे वो सूट ना करेंगे हम। मिक्स करने के बाद आपने बालों में लगाना है, चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है उन एरियाज पे जहां आप चाहते हैं बचाना कि वहां कलर ना फैले। तो मैं यहां फोरहेड के वहां
ईयर्स के पास थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लूंगी ताकि स्किन मेरी सेफ हो जाए। अब हम जड़ों से लेके बालों के अंत तक कलर को लगा लेंगे। पार्टीशन करते करते लगाइए। जरूरी नहीं है कि आपने ब्रश से लगाना है, आपने ग्लव्स पहन लिए हैं दोस्तों तो कोई परेशानी नहीं, हाथों से भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को ब्रश से लगाना डिफिकल्ट लगता है, बट टेंशन नहीं, जैसे भी अच्छा लगे वैसे कीजिए। कलर लग गया है, अब इंतजार कीजिए 30 मिनट। बट ये टाइम कैसे पास करें, ऐसे जब तक यहाँ टाइम पास किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये क्रीमी फॉर्म में जो हमने कलर एप्लीकेशन किया है ये बिल्कुल आपके कपड़े खराब नहीं करेगा, टिप टिप करके टपकेगा नहीं। दूसरा, बहुत स्मूथ है, ये आपके बालों को 100% कवरेज देगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो बाल होते हैं ना, वो सिल्की भी लगते हैं, शाइनी भी लगते हैं और बहुत ही बाउंसी भी हो जाते हैं। 30 मिनट हो गए हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने हल्के हाथों से पहले मसाज कर लेनी है सर में और उसके बाद पानी से हेयर वॉश कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ कंडीशनर। दोस्तों कंडीशनर बालों में लगाना है, अच्छे से लगाइए और उसके बाद आपने अगेन पानी से हेयर वॉश कर लेना है। अब देखिए मैं वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहां जब मैंने हेयर वॉश किया था, आप यकीन नहीं करेंगे, हेयर बहुत सॉफ्ट हो गए थे। और सबसे खुशी की बात ये थी कि इस कलर में केमिकल जैसी स्मेल नहीं बल्कि बहुत अच्छी खुशबू थी, जिससे मैं काफी फ्रेंडली हूं, मुझे काफी अच्छा लगा और काफी फ्रेश महसूस हुआ। मैं हेयर ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं एयर ड्राई होने देती हूँ बालों को। तो जब मेरे बाल एयर ड्राई हो गए हैं तो ये है आपके सामने रिजल्ट। दोस्तों मैंने कॉम नहीं किया है क्योंकि मैं गीले बालों में कॉम नहीं करती हूं, बट अब मैं आपके सामने आपको कॉम करके दिखाती हूं। दोस्तों ये देखिए, देख पा रहे हैं क्या स्मूथ टेक्सचर मिला है मुझे, मैं बता नहीं सकती। और उससे भी बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी ये कि कुछ भी ऐसा हैवी नहीं लगा ये कलर, मुझे बहुत सही और परफेक्ट लगा। ये उसकी वजह से कि हम लाइव देख सकते हैं कि हमारी स्किन पे कौन सा कलर सूट करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट गाइस, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे रिजल्ट जरूर बताइए। मैं आऊंगी आपसे मिलने ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। दोस्तों बाय बाय।